दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट नियमों में थोड़ा बहुत बदलाव कर एक बार फिर से लागू कर दिया है। कोरोना के कारण 2 साल पहले क्रिकेट में बॉल को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल को अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित किया था, अब इसे स्थायी कर दिया गया है। सौरव गांगुली की लीडरशिप में पुरुष क्रिकेट कमेटी ने मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के बनाए नियमों पर महिला क्रिकेट कमेटी के साथ चर्चा कर नियमों में कुछ बदलाव किया और नए सिरे से लागू किया है। आपको बता दें कि नए नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे, जिसका मतलब है कि अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप नए नियमों के आधार पर खेला जाएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं नए नियम क्या क्या हैं। कैच आउट नियम। जब कोई बल्लेबाज कैच आउट होगा तो नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर ही खेलने आएगा। आउट होने वाले बल्लेबाज का क्रीज बदलने या नहीं बदलने से इस पर कोई असर नहीं होगा। जबकि पहले नियम में था कि यदि बल्लेबाज कैच आउट होने से पहले स्ट्राइक चेंज करता है तो नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर आता था। लार का इस्तेमाल। कोरोना महामारी के कारण 2020 की शुरुआत से ही क्रिकेट पर असर पड़ना शुरू हो गया था। इसके बाद लॉकडाउन के साथ ही क्रिकेट को भी पूरी दुनिया में बंद कर दिया गया था। फिर खेल को दोबारा शुरू करने के लिए कुछ नए नियम बनाए गए थे। तब लार के इस्तेमाल को अस्थायी तौर पर बैन कर दिया था, मगर अब क्रिकेट कमेटी ने इस नियम पर भी विचार किया और इसे स्थायी कर दिया। यानी अब क्रिकेट में लार का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित ही रहेगा, यह नियम अब स्थायी हो जाएगा। नए बैटर के लिए स्ट्राइक लेने का टाइम। किसी प्लेयर के आउट होने के बाद जब नया बैटर स्ट्राइक पर आता है तो उसे टेस्ट और वनडे में 2 मिनट के अंदर स्ट्राइक पर आना होगा, जबकि T20 इंटरनेशनल में यह समय 90 सेकंड का निर्धारित किया गया है। यदि नया बैटर टाइम पर नहीं आता तो फील्डिंग टीम का कप्तान टाइम आउट की अपील कर सकता है। स्ट्राइकर के बॉल खेलने का अधिकार। अगर गेंद पिच से बाहर गिरती है तो नए नियम के तहत बल्लेबाज के बल्ले का कुछ हिस्सा या उसके पिच के भीतर रहने पर उसे गेंद को खेलने का अधिकार होगा। उसके बाहर जाने पर अंपायर डेड गेंद का इशारा करेंगे। पिच छोड़ने के लिए मजबूर करने वाली कोई भी गेंद नो बॉल होगी। फील्डिंग टीम की तरफ से गलत व्यवहार। गेंदबाज के बॉल फेंकने के दौरान अगर कोई अनुचित और जानबूझकर किसी तरह की मूवमेंट की जाती है तो उसे अंपायर द्वारा डेड बॉल दिया जाएगा। इसके अलावा बल्लेबाजी टीम को 5 रन पेनल्टी के रूप में मिलेंगे। नॉन स्ट्राइकर का रन आउट होना। अगर कोई नॉन स्ट्राइकर गेंदबाज के बॉल डालने से पहले क्रीज से बाहर निकलता है तब गेंदबाज यदि उस बैटर को रन आउट करता है तो इसे पहले अनफेयर प्ले माना जाता था, लेकिन अब इसे रन आउट ही कहा जाएगा। डिलीवरी से पहले स्ट्राइकर की ओर बॉल थ्रो। कोई गेंदबाज बॉल डालने के लिए रन अप लेता है और डिलीवरी स्ट्राइड में आने से पहले देखता है कि बैटर क्रीज से ज़्यादा आगे आ गया है, तब बॉलर आउट करने के इरादे से स्ट्राइकर की ओर बॉल थ्रो करता है तो इसे डेड बॉल करार दिया जाएगा। इन मैच पेनल्टी नियम। आपको बता दें कि जनवरी 2022 में T20 इंटरनेशनल में लागू किया गया इन मैच पेनल्टी नियम अब वनडे फॉर्मेट में भी अपनाया जाएगा। यह नियम 2023 में पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के खत्म होने के बाद लागू होगा। बता दें कि जब कोई फील्डिंग टीम समय पर निर्धारित ओवर खत्म नहीं करती है तो मैच के आखिर में उस टीम को बाउंड्री पर एक फील्डर कम रखने की सजा मिलती है। वह फील्डर सर्कल के अंदर लगता है, इसे ही इन मैच पेनल्टी नियम कहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।